छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर धनखड़ के हत्याकांड के आरोप में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की 6 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस सुशील को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार को फिर से 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग करेगी। सुशील कुमार पहलवान सागर की हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। देश में पहलवानी के आइडल रहे सुशील कुमार को 23 मई के दिन एक सहयोगी अजय कुमार के साथ दिल्ली पुलिस ने मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया था। सागर हत्याकांड में ये 9वीं गिरफ्तारी थी। गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वह उन लोगों में शामिल था जिन्होंने 4 और 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान सागर की पिटाई करी थी। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के टीकरी गांव से विजेंदर उपविंदर को गिरफ्तार किया है। बिंदर खुद भी पेशे से पहलवान है और ये स्वीकार किया है उसने मुख्य आरोपी सुशील कुमार के कहने पर सागर और उसके दोस्तों की पिटाई की थी। कहा जा रहा है कि सागर धनखड़ की हत्या के मामले में कुल 12 आरोपी हैं। इनमें से 9 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सागर की हत्या के मामले में अब भी 3 आरोपी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। फरार आरोपियों के नाम प्रवीण कुमार, प्रदीप, विनोद प्रधान बताया जाता है। सागर धनखड़ में जिस SUV का उपयोग किया गया था उस गाड़ी में विनोद की लाइसेंस डबल बैरल गन मिली थी। आरोपियों की सूची में 11 के ही नाम हैं। वारदात के बाद पहले ही दिन सुशील कुमार का दोस्त प्रिंस इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है।